आप एक वकील भी हैं और आपने आंदोलन में बोला है कि मैं आर्थिक रूप से भी मदद करूंगा 5 से 10 परिवारों को, तो ये बात सही है गलत है ये बताएं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम अनुशासनहीनता कभी में नहीं आते हैं। बाबा साहब ने कहा है कि सामाजिकता बड़ी है, निजता बड़ी है या सामाजिकता है, तो सामाजिकता बड़ी होनी चाहिए। और जो शोषित पीड़ित हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं लेकिन उनका दर्द बड़ा है, ये मंदिर जो टूटा है उनके अंदर दर्द है, वो लोग बेचारे, उनके 10-20 जो परिवार हैं उनकी ज़रूर आर्थिक सहायता हम करेंगे, ये पक्की बात है और गारंटी से करेंगे। जी, जो जहाँ तक केस की बात है, आप वकील भी हैं, आपने कहा था इनका केस भी मैं लड़ूंगा और इनको फाइनेंशियली मदद भी करूंगा, तो कितने बच्चे टेक्निकल तरीके से, संवैधानिक तरीके से जल्द कब तक आ पाएंगे? जिनसे बाहर 96 बच्चे बंद हैं उसके बारे में बताएं। अभी हमारे जो अग्रणी लॉयर हैं, जो सीनियर ऑनरेबल मिस्टर महमूद पराचा ओपी भारती जी, उनके नेतृत्व में हम केस लड़ रहे हैं। साकेत कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगा दी गई है, ठीक है। अब उसके अंदर ये न्यायिक प्रक्रिया है, पुलिस से कई चीज़ें मांगी गई हैं, पुलिस जो है वहाँ थोड़ी असमर्थ भी हो रही थी और ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। उनसे जब चीज़ें मांगी गई तो उन्होंने कहा आज दोपहर को या कल दोपहर को 2 बजे तक हम आपको सारे दस्तावेज पहुँचा देंगे, या कोई क्लिप व्लिप है तो वो भी पहुँचा देंगे, और वो कानूनी तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 3 सितंबर की लगी है और निश्चित रूप से सारे बच्चे बाहर आएंगे, जिनके वकालतनामा आ गए, साइन होकर आ गए हैं, उनकी बेल एप्लीकेशन लगा दी गई है कुछ टेक्निकल कारण की वजह से, क्योंकि लोग साइन करा के लाएंगे, उनके परिवार हैं सब वहाँ जाएंगे, साइन करा कर ला कर देंगे, सारे बच्चे बाहर आएंगे। ये निष्पक्ष रूप से हम कह रहे हैं, कोई बच्चा अंदर नहीं रहेगा, किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया में जब केस चला जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही फिर वो चीज़ें सारी होती हैं और निश्चित रूप से बाहर। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।